हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लीच से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन और साथ ही हम ब्लीच की प्रैक्टिकल क्लास भी देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें आप जान लीजिए, उसके बाद हम प्रैक्टिकल ब्लीच करके भी बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले कुछ जरूरी बातें आप देख लीजिए जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है और कभी भी आपको ये गलती नहीं करना है, वरना आपके क्लाइंट को इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले कभी भी आपको मेटल ट्रे या चम्मच इस्तेमाल नहीं करना है ब्लीच के लिए। मेटल के साथ जो ब्लीच में केमिकल्स होते हैं वो मिलकर इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, आपको पहले पेस्ट टेस्ट करना है हैंड पर। ठीक है, पेस्ट टेस्ट आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आईज के अराउंड और आईब्रो पर आपको कभी भी ब्लीच नहीं करना है। ठीक है, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सबको ज्यादा दिक्कत होती है वो है क्रीम और एक्टिवेटर की मात्रा को लेकर, कि हमें क्रीम की मात्रा कितनी रखनी है, एक्टिवेटर की मात्रा कितनी रखनी है। इसमें काफी व्यूअर्स को कंफ्यूजन होता है और हमारे स्टूडेंट को भी होता है। तो इसका मैं आपको एक क्लियर कर देती हूँ। आपको क्रीम अगर 5 ग्राम लेना है तो एक्टिवेटर ओनली 1 ग्राम लेना है। ठीक है, आप यहाँ 5 से अगर 6 ग्राम में भी लेते हैं तो भी चलेगा। ठीक है, आपको कभी भी एक्टिवेटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं करनी है। ये एक मैंने रेशो दिया है, 5 to 6 में भी 1 ग्राम का रेशो चलेगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब कुछ और बातें जान लेते हैं और फिर हम ब्लीच को प्रैक्टिकली करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है कि स्किन टेस्ट। ठीक है, अगर हमारे क्लाइंट ने ब्लीच इससे पहले नहीं करवाया होगा तो हम करेंगे उसका स्किन टेस्ट, पैच टेस्ट भी कहते हैं इसे। क्योंकि जब भी क्लाइंट ने ब्लीच नहीं करवाया है, पहली बार ब्लीच करवाने आया है, तो हमें उसका स्किन टेस्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हो सकता है क्लाइंट की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, मैक्सिमम लोगों को ब्लीच सूट नहीं होता है। ठीक है, अब कैसे पता करेंगे ये सब कुछ मैं बताऊंगी। सेकेंड पॉइंट है जली हुई या ज्यादा पिम्पल्स या कटी हुई स्किन पर आपको कभी भी ब्लीच नहीं करना है। मैं थोड़े बहुत का नहीं कह रही हूँ, बहुत ज्यादा पिम्पल्स हो रहे हैं, बहुत कटी हुई स्किन है, हो जाता है, जली हुई स्किन है, तो हमें ब्लीच नहीं करना है। ब्लीच में एक्टिवेटर की क्वांटिटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जी हाँ, एक्टिवेटर की क्वांटिटी जो होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेशियो होता है, वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। देन फोर्थ नंबर का पॉइंट है ज्यादा जलन होने पर वॉश करवाना है आपको क्लाइंट को, एंड स्किन टेस्ट आपको हैंड पर करना है। देन आपको ब्लीच अप्लाई करने के लिए ब्रश लेना है और ब्रश को हमेशा क्लीन रखना है ताकि इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने एक बाउल में क्रीम लिया हुआ इधर, और ये जो थोड़ी सी मात्रा में पड़ा हुआ ना, ये एक्टिवेटर है। आपको पता लगाने के लिए कि देखिए मैंने कितना रेशो लिया हुआ है, एक्टिवेटर बिल्कुल थोड़ा सा है और इसका 5 गुना जो है वो क्रीम है, देख सकते हैं आप इतना लिया हुआ है, और उसमें मैं सिर्फ इतना सा एक्टिवेटर मिक्स करूंगी। अब इसे आपको बहुत अच्छे से 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये एक्टिवेटर और क्रीम आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो देख सकते हैं मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। देन मिक्स करने के बाद इसे फटाफट से लगाना है। अब मैं आपको लगाकर भी बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले अगर फेस के हम हेयर की बात करें तो सिर्फ यहीं पर अप्लाई होगा और बाकी आईब्रो पर आपको अप्लाई नहीं करना है। यहां पर हमें अप्लाई जरूर करना है ब्लीच को, कान के यहां। अब आपको ब्लीच को जब भी लगाना है तो आपको ऊपर से नीचे की तरफ लगाना है। मैं आपको हैंड पर ही लगाकर दिखाऊंगी क्योंकि मुझे ब्लीच सूट नहीं होता है। पूरा अप्लाई करने के बाद में आपको इसे चेक करते रहना है, 8 से 15 मिनट के अंदर ब्लीच हो जाता है। देखेंगे आप यहाँ पर जो आपको हेयर दिख रहे हैं कान के यहाँ, यहाँ के हेयर आपको 8 मिनट बाद ही चेक करने लग जाना है। किसी को जल्दी भी हो जाता है, किसी को देर से। तो जैसे ही यहाँ के हेयर गोल्डन हो जाते हैं आपको क्लाइंट को वॉश करवा देना है ठंडे पानी से। तो ये हो गया है हमारा ब्लीच, यहीं से चेक किया जाता है कान के यहीं से, तो आपको पता चल जाता है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।